हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मूली आलू की सब्जी। हमने 1 किलो मूली ली है, इसका छिलका उतार के इसको इस तरीके से काट लिया है, थोड़ा गोल टाइप में काटा है। और ये हमने 2 आलू लिए हैं, आलू को भी हमने काट लिया है। मूली आलू की सब्जी बनानी शुरू करते हैं। मूली आलू की सब्जी बनाने के लिए मूली को कुकर में डालेंगे, इसमें ही हम आलू भी डाल देंगे। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, थोड़ी हल्दी, 1 चम्मच नमक, थोड़ा गरम मसाला पाउडर। अब ये कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देते हैं। इसको हम सभी मसालों को मिला के बनाएंगे। इसमें ही हम आधा गिलास पानी डालेंगे, 1 चम्मच भर के डालेंगे बड़ा चम्मच तेल का। अब इन चीजों को मिक्स कर लेते हैं तरीके से। अब इसमें हम 2 सीटी लगाएंगे। मूली आलू को हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब इसको गैस पर रख देते हैं, गैस ऑन करके। कुकर को हमने गैस पर रख दिया है, गैस हमने ऑन कर दिया है। अब इसमें हम 2 सीटी ले लेते हैं। 2 सीटी आ चुकी है हमारी मूली आलू में। अब इसको खोल के देख लेते हैं। हमारी मूली आलू की सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। एक दफा इसको चला देते हैं। ये देखिए, हमारी मूली आलू की सब्जी बनके तैयार हो गई है। ये आप चावल की रोटी के साथ, पराठों के साथ भी खा सकते हो। अगर आपको पसंद आई हो, प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।